आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम दर्शकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आए हैं, प्रोजेक्ट भवन से निकलते हुए ये तस्वीरें हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिखा रहे हैं। मीडिया से वो कुछ बातचीत अगर करते हैं तो वो भी हम दर्शकों को सुनाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। उससे पहले मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट से बाहर निकलते हुए, प्रोजेक्ट बिल्डिंग से बाहर, साथ में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी हैं। अब कोयला निजीकरण को लेकर के हमने आग्रह किया है। अब इसका कोई आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है और हम अपनी प्रक्रिया में हैं और हमारी प्रयास है कि जो निर्णय हो राजहित में वो निर्णय लिए जाए। आपका समर्थन रहेगा, आपकी पार्टी का समर्थन कल के हड़ताल, जो कल हड़ताल, तीन दिनों का जो हड़ताल, बहुत जानकारी आ रही है कि प्रहलाद जोशी आपसे बात करना चाह रहे हैं। जैसे कि जानकारी है, खबर आ रही है कि कोयला मजदूर, खनन मजदूर ये व्यवसायीकरण करने के विरोध में हड़ताल पे जा रहे हैं। उनको भी इस लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है और उनकी बातों को भी सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि बड़े पैमाने पर कम से कम झारखंड प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है उसमें बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में लोग जुड़े हुए हैं और इनकी आवाज़ भी सरकार के कानों तक जानी चाहिए। दादा एक सवाल है, सोशल मीडिया पे आप ट्रेंड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिच आपका हो गया। अरे वो सब चीज़ें आप लोग देखिए, हम लोग अपना काम करते हैं और देश दुनिया देखता है। वो आकलन करने वाले दूसरे वर्ग हैं, वो जो सही समझ उनको लगता है वो अपना करते हैं। इसलिए सवाल है कि डिजिटल, डिजिटल से सारा कुछ है आज की तारीख में और वो एक मापदंड हो गया है कि आप किस तरह से काम करते हैं। पिछले 6 महीने में देखिए, हमारे पास जितने संसाधन हैं हम उन सभी संसाधनों का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं और क्योंकि हमारे पास भी एक लिमिटेशन है, दो आंखें हैं, दो हाथ है, एक मुंह है, एक नाक है। अगर इसके अलावा और कोई हमारा हाथ बनना चाहता है, आंख बनना चाहता है, मुंह बनना चाहता है तो वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। और इसके लिए आज की जो व्यवस्था है, जो टेक्नोलॉजी का एक प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और ये बातें पता नहीं कितनी दूर तक साथ साथ में जा रही है। मुझे लगता है कि ये तकनीक का ही कमाल है। अगर उससे समाधान, समस्या का समाधान निकलता है तो निश्चित रूप से उसका उपयोग होना चाहिए और मैं कोशिश करता हूं कि हमारे सभी ऐसे तंत्र हैं, ऐसे तकनीक हैं जो 24 घंटा काम करता है, काम करे और लोगों को उसका लाभ मिले। आपने 25 जून को एक पत्र लिखा था खादा पूर्ति विभाग को, दिसंबर माह तक आपने कहा था कि मुस्लमान आज दीजिए, नवंबर तक घोषणा हो गई है पीएम ने की है और 80 करोड़ की बात हो रही है, 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। देखिए कल प्रधानमंत्री का जो देश के संबोधन में जो बातें आई है उसमें जो अनाज वितरण की बात आई है, घोषणा तो हो जाती है लेकिन कभी कभी व्यवहारिक रूप से सही व्यक्ति को अनाज कभी कभी नहीं मिल पाता है।
इनको साइंक्रोनाइज करने की भी आवश्यकता है। आज किसी को एक लाभ नहीं, दो दो तीन तीन लाभ मिल रहा है, तो किसी को एक भी नहीं मिल रहा है। आज हम लोगों ने इस राज्य में जिनके कार्ड नहीं है उनको भी अनाज देने का काम किया और दे भी रहे हैं, जरूरतमंदों को भी दे रहे हैं, पका हुआ खाना भी खिला रहे हैं, चाहे उनके पास कार्ड हो ना हो, बच्चे हो बूढ़े हो कोई भी हो। आज जिस तरीके से संक्रमण को लेकर के लोग बेरोजगार हुए हैं, जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कई डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं, रोजगार खोने के डर से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कई ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आज सिर्फ अनाज दे देना ही समाधान नहीं है, इसके अलावा और भी विकल्प पर सरकार को सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अनाज देने की घोषणा की है, हमारे राज्य के लिए ये एक राहत का घोषणा जरूर है, और अब हमें ये देखना है कि ये राज्य में कितने लोगों को लाभान्वित करता है और किस तरीके से करता है। ये लागू करने के उपरांत ही बताया जा सकता है कि ये घोषणा राज्यों के लिए कितना लाभ है। सर, इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कल कई पूजाओं का और त्योहारों का जिक्र किया, जिसमें छठ पूजा का उन्होंने खास तौर से जिक्र किया। सामने बिहार का चुनाव है, आप जो बोल रहे हैं गरीब तबका के लिए, मिडिल क्लास जो सुसाइड केस आ रहे हैं उसमें ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं जो नौकरी पेशा, जिनकी नौकरी छूट गई, आपको लगता है कि ये पूरा चुनाव से जुड़ा हुआ कल का जो पूरा संबोधन था? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बातें तो बहुत कही, लेकिन मुझे बहुत एक बात का खेद है कि कल इस राज्य में एक ऐसा दिन होता है जिसको हम लोग हूल दिवस के नाम से जानते हैं, सिद्धू कानू जी का शहादत दिवस, और ये देश का पहला क्रांति था। आज मुझे लगता है कल के संबोधन में इस संदर्भ में भी उनका कोई बात नहीं आया, बाकी सभी बातें आ गई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बातें कितने लोगों को लाभान्वित करने वाली है और कितने राजनीतिक रूप से कल का संबोधन रहा। धन्यवाद। मोदी प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया दी, वो भी आपने सुना। साथ ही कोयला मजदूरों की जो हड़ताल है देशव्यापी 3 दिवसीय, उस हड़ताल पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाई ये कोयला मजदूरों का अधिकार है, उन्हें संविधान ने अधिकार दिया है कि अगर किसी बात को लेकर के वो अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वो अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। डॉक्टर्स डे पे हमने डॉक्टरों की वो कहानी आपको सुनाई, डॉक्टरों से हम आप मुखातिब हुए, उन्हें समझने की कोशिश की कि अपने क्लिनिक से बाहर, अपने हॉस्पिटल से बाहर डॉक्टर कैसे होते हैं। कुछ उन्होंने अपने दर्द भी बयां किया न्यूज 11 भारत के माध्यम से। जरूरत है उस दर्द को समझने की, वो धरती के भगवान भले हों लेकिन उस सफेद कोट के अंदर एक इंसान भी होता है। साथ ही हमने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन से सीधा आपको सुनाया हमने कि मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, और अब कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कुछ कह रहे हैं। सीधा रुख करते हैं वहां पर, क्या कुछ कह रहे हैं? साथ झारखंड में चुनाव होता तो सिद्धू कानू हूल दिवस का भी जिक्र होता। किसी की मनसा क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, सब संबोधन से ही पता चलता है। और जो यूपीए की घोषणा थी जिसके तहत लोगों को अनाज मिलता है,
लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को अवसर चाहिए। हमने सोचा था कि कल विशेष पैकेज की घोषणा होगी, भूखे को पैकेज चाहिए ना कि ज्ञान चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान राहत का पैकेज जो देने की बात कर रहे हैं वो तो हम भी कर रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, पहले से चला आ रहा है। लेकिन इसके अलावे जो हमने 3500 करोड़ रुपया यहाँ के किसानों के लिए मांगा था, बार बार उनके सभी मंत्रियों के पास हमने आग्रह किया, जिनका भी माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पर आदेश पर हम आपसे बात कर रहे हैं, आपका राज्य का क्या तकलीफ है, हमने उन्हें हर स्तर पे कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया। वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपनी बात थोपते हैं, हमारी पीड़ा को, हमारे यहाँ की संवेदना को कभी ध्यान से नहीं सुनते। इन बातों का जिक्र होता तो शायद आज ज़्यादा खुशी होती। बिल्कुल समन्वय बना के काम किया जा रहा है। हमें विरासत में जो खजाना हाथ लगा है और जिसके तहत हमने तैयारियां की थी, उसके बाद इस तरह की वैश्विक महामारी आई, इसमें हमें उम्मीद था, चूंकि हमारे करों का संग्रह केंद्रीय स्तर पर होता है, सारे फंड का एक्युमुलेट वहां से किया जाता है, हमारी प्राप्तियां वहां अभी तक बाकी है, चाहे CCL का ले लीजिए, BCL का ले लीजिए, चाहे GST का हो, जो हमारा बकाया बनता है कम से कम वो समय पर दे देते तो हम अपने लोगों को अपने स्तर से ज़्यादा मदद कर पाते। 2000 करोड़ रुपए का किसान का कर्जा माफ़ करने का हमने वादा किया और वो हम करके दिखाएंगे, लेकिन और ज़्यादा करते यदि वो हमें पैकेज देते। 7900 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है, ऐसे में कुछ किसान छूट जाएंगे, निराशा हाथ लगेगी। जो मोड, जिस मोड पे करों का संग्रह हो रहा, आप जानते हैं कि झारखंड को लॉसेस हो रहा है, क्योंकि हम प्रोडक्शन स्टेट हैं, जो सर्विस स्टेट है उसको फायदा हो रहा है। ऐसा GST का फॉर्मेट ही है कि हम लोग ठगे गए, ऐसे में हम लोग के हाथ बंद गए हैं। फिर भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ा है, हम आज भी वैश्विक आधा की स्थिति में उनकी खिंचाई नहीं करते, हमेशा पिछड़ा स्टेट होने के नाते उनकी और आग्रह भरी निगाहों से देखते हैं कि कभी तो आपकी नज़र होगी, शायद आज चुनाव यहाँ होता तो ये सब शायद मिल जाता। एक आखिरी में संक्षेप में बता दीजिएगा कि आपको लगता है, आप ये कह रहे हैं कि सेंट्रल जो है आप लोगों के साथ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, आपके कहने का मतलब यही है ना कि सेंट्रल आपको फंड नहीं? बिल्कुल जानबूझकर, कभी संवेदनशील तो बातें तो करते हैं, फलाफल नहीं निकलता। नहीं नहीं, आप हमको ये समझाएं ना कि जनता से कब तक आप कहते रहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं? नहीं, पैसा हमने सेंटर से तो पैसा नहीं लिया, 2000 करोड़ रुपए कहाँ से लाए? उनके कर्ज माफी के लिए, हमारे जो अपने सोर्सेस है हम उस पर तो काम कर ही रहे हैं, कृषि नीति बना रहे हैं, तब किसानों को समय पर इस बार बीज भी उपलब्ध करा दिए, मैंने खुद जाके प्रखंडों पर बीज बांटा, हमारे विधायक जी ने बांटा, प्रमुख ने बांटा, मुखिया ने बांटा, जो हमारे पास फंड है। लेकिन और ज्यादा जरूरत है अभी की स्थिति में, हम खुद खुश नहीं है, हम करना चाहते हैं और इसके लिए केंद्र का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी प्राप्तियां उनके पास है, हमारे पैसे का संग्रह वो करते हैं और बाद में हमें फ्रैक्शन देते हैं, कम से कम वो तो हमें समय पर दे दें ताकि हम अपने किसानों के लिए खुद दे सके, आप मत दो, लेकिन हमारा जो बनता हिस्सा वो तो दे दो।